शहर के क्राइम ब्रांच यूनिट 4 ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए झारखंड से आए एक खतरनाक अंतर्राज्यीय मोबाइल चोरी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह का नेटवर्क न केवल नागपुर बल्कि छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ था। सूचना के मुताबिक गिरोह के सदस्य चोरी के मोबाइल बेचने के इरादे से नागपुर में सक्रिय थे। पुलिस ने जब यशोधरा नगर के बंजारा बस्ती में घेराबंदी की तो आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सतर्कता और कुशल रणनीति के चलते उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। इस दौरान मौके से 11 मोबाइल फोन और एक 50 पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में शेख मेहताब शेख करीम उम्र 22 साल मराजपुर बाजार झारखंड निवासी, शेख जोनी शेख मकरुद्दीन उम्र 27 साल मराजपुर मोती झंडा झारखंड निवासी, इम्तियाज महबूब आलम उम्र 21 साल मरक्का पश्चिम बंगाल निवासी, शेख टाइगर शेख नसीरुद्दीन उम्र 19 साल मराजपुर बाजार झारखंड निवासी, शेख शोएब शेख उमर उम्र 23 साल मराजपुर बाजार झारखंड निवासी और साथ ही 3 नाबालिग भी गिरोह में शामिल पाए गए हैं, जिनके नाम गोपनीय रखे गए हैं। गिरोह के प्रमुख सदस्य सूरज महतो और अरमान शेख उर्फ नाटी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। दोनों का संबंध झारखंड के साहिबगंज इलाके से है और पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी करी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 11 चोरी की गए मोबाइल फोन कीमत 1,15,000 रूपए, बजाज पल्सर मोटरसाइकिल कीमत 90,000 रूपए, ऐसे कुल मिलाकर पुलिस ने 2,05,000 रूपए की संपत्ति बरामद की है। यह गिरोह झारखंड और पश्चिम बंगाल से नागपुर में आकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस के अनुसार इन चोरियों में शामिल आरोपियों के खिलाफ पहले से ही छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में चोरी का मामला दर्ज है। गिरोह बड़ी ही चालाकी से नागपुर के पौश इलाकों में मोबाइल चोरी करता था और बाद में उन्हें बाहर के राज्यों में बेच देता था। गुप्त सूचना मिलते ही पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और बंजारा बस्ती इलाकों को चारों ओर से घेर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ के दौरान और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद है। आरोपियों को गिरफ्तार कर मेडिकल परीक्षण के बाद वाठोड़ा और सकरदरा पुलिस स्टेशनों को सौंप दिया गया है। पुलिस अब इस गिरोह के और सदस्य को पकड़ने के लिए अन्य राज्यों में भी जाल बिछा रही है। नागपुर पुलिस की इस बड़ी सफलता ने शहर में चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। युनिट क्रमांक 4 गुन्हे शाखा नागपुर शहर येथील पथकाने मागील आठवड्यामध्ये एक आंतरराज्यीय मोबाईल चोरी करणारी टोळी, ज्यामध्ये एकूण 5 आरोपी आणि 3 विधी संघर्षग्रस्त बालक यांना अटक केलेली आहे। त्यांच्या ताब्यातून एकूण विविध नागपूर शहरामध्ये विविध ठिकाणावरून चोरलेले एकूण 11 मोबाईल आणि एक पल्सर मोटरसायकल असा 2 लाखाच्या जवळपास मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। या टोळीविषयी सांगायचं म्हटलं तर सदरची टोळी हे झारखंड राज्यातील साहेबगंज जिल्ह्यातील वेगवेगळ्या परिसरातील असून हे लोक नागपूर येथे किरायाने रूम घेऊन राहत होते आणि नागपूर शहरामध्ये जे विविध ठिकाणी आठवडी बाजार भरतात अशा आठवडी बाजारामध्ये जाऊन गर्दीचा फायदा घेऊन मोबाईल अँड्रॉइड मोबाईल फोन त्या तक्रारदाराच्या नकळत चोरी करायचे आणि असे मोबाईल एकत्रित जमा करून त्यापैकी एक जण ते मोबाईल घेऊन त्यांच्या गावी परत जायचा, अशा प्रकारे ते गुन्हे करीत आहेत आणि ते टोळी नागपूरमध्ये वास्तव्यात आहे अशी एक खात्रीशीर बातमी मिळालेली होती। त्या बातमीच्या अनुषंगाने गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 4 येथील अधिकारी अंमलदाराने काम करून सदर टोळी राहत असलेला रूमवर छापा घालून त्या ठिकाणी नमूद आरोपींना ताब्यात घेतलेला आहे आणि त्यांच्या झडतीमधून सदरचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। या मुद्देमालाच्या संदर्भाने नागपूर शहर येथील पोलीस स्टेशन सक्करदरा, पोलीस स्टेशन वाठोडा, पोलीस स्टेशन बर्डी आणि पोलीस स्टेशन राजनांदगाव मध्य प्रदेश या ठिकाणी चोरीचे गुन्हे दाखल आहेत। तर सदर गुन्ह्यामध्ये नमूद आरोपितांना अटक करण्यात आलेली आहे। सदरचे आरोपी हे सध्या सक्करदरा पोलीस स्टेशनच्या गुन्ह्यामध्ये अटक आहे। सर, यांनी अजून काही याआधी भी काही गुन्हे वगैरे असेच केले आहेत का आणि ते काय म्हणून राहायचे, कुठल्या कामाकरिता आले आहेत आणि याच्यातला मास्टर माइंड कोण आहे, किती रुपये द्यायचा काय सांगू? हे प्राथमिक या आरोपीकडे चौकशी केली असता हा यांचा एक टोळी प्रमुख आहे, तो सध्या फरार आहे। सदरचा टोळी प्रमुख हा त्याच्या या टोळीतील इतर जे सदस्य आहे
या लोकांना महिनेवारी हायर करून घेऊन यायचा, त्यांच्याकडून फक्त मोबाईल चोरी करून ते त्या प्रमुखांच्या स्वाधीन करायचे आणि त्यांना मंथली बेसिसवर 15 ते 20 हजार रुपये हा त्यांना देत असे. पुढील तपासाची माहिती अशी आहे की हा एक आंतरराज्यीय म्हणण्यापेक्षा आंतर देशीय गुन्हे करणारी टोळी आहे आणि चोरीचे मुद्देमाल हे जे शेजारी राष्ट्र आहेत बांगलादेश किंवा नेपाळ अशा राज्यांमध्ये ते पूर्वीत असावेत असा एक अंदाज आहे. त्या दृष्टीने पुढील तपास सुरू आहे. हे नमूद जे आरोपी आहेत हे पहिल्यांदा नागपूर शहर येथे अटक झालेले आहेत. यापूर्वी त्यांनी असू शकते की देशामध्ये वेगवेगळ्या शहरामध्ये अशा प्रकारचे गुन्हे केलेले असावेत, कारण हे एक वेल ऑर्गनाइज्ड टोळी दिसून येते. त्या दृष्टीने आम्ही रेकॉर्ड तपासून पुढील कारवाई करतो. कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.